हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कूलम्स लॉ पर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख चुके हैं। कूलम्स लॉ जो है दो चार्ज के बीच लगने वाला क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स को बतलाता है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो दोनों चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो रिपल्सन यानी एक दूसरे को विकर्षित करती है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उनके बीच अट्रैक्शन दैट मींस आकर्षण फोर्स लगता है। तो कूलम्स लॉ साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम द्वारा दिया हुआ एक नियम है जो 1785 ईस्वी में दिया गया है। कूलम्स दैट मींस चार्ल्स अगस्टिन कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, बेसिक पॉइंट, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्टिन कूलम इन 1785। और चार्ल्स अगस्टिन कूलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। फ्रेंच को हिंदी में फ्रांस कहा जाता है, यानी वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो कूलम्स लॉ कब दिया गया है? 1785 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया है? चार्ल्स अगस्टिन कूलम, अपने ही नाम पर रखा गया कूलम्स लॉ, ठीक है। इसने जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा या जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा कूलम्स लॉ को डिटरमाइनेट किया उसे टॉर्जन बैलेंस कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे बाय यूजिंग ए टॉर्जन बैलेंस। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि व्हाट इज टॉर्जन बैलेंस? टॉर्जन बैलेंस होता क्या है? टॉर्जन बैलेंस एक डिवाइस है जो दो चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स का डिटरमाइनेट करता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि टॉर्जन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्जेस। तो टॉर्जन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस या एक सेंसिटिव डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट है कि कूलम्स लॉ गिवन बाय चार्ल्स अगस्टिन कूलम इन 1785 बाय यूजिंग ए टॉर्जन बैलेंस, और टॉर्जन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आइए हम लोग स्टेटमेंट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख चुके हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज है, एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको याद हो जाएगा। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज, यानी दो चार्जेज के बीच क्रियाशील इंट्रैक्शन आकर्षण बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो चार्ज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेज के गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो, ये तीनों पॉइंट लिखने के बाद इस स्टेटमेंट को लिखिए। अब यहां पर ये है कि कूलम्स लॉ जो है ओनली फॉर वैलिड पॉइंट चार्ज। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट और जोड़ेंगे कि कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर व्हाट इज पॉइंट चार्जेज? पॉइंट को हिंदी में बिंदुवत कहा जाता है और बिंदु का मतलब होता है छोटा। यानी कूलम्स लॉ का जब डिटरमाइनेट किया गया है तो दोनों चार्ज का जो वैल्यू लिया गया है Q1 और Q2 का,
या फिर जो भी वैल्यू लिया गया है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू लिया गया है, और उस स्मॉल वैल्यू को कौन सा वैल्यू कहा जाता है, कैसा चार्ज कहा जाता है, पॉइंट चार्ज। अगर हम बड़ा चार्ज लेंगे या तो फिर आकर्षण हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर उनके बीच रिपल्शन हो जाएगा। इन दिस कंडीशन फिर कूलम्स लॉ द्वारा जो फोर्स है दो चार्ज के बीच उसको हम डिटरमाइनेट नहीं कर सकते हैं। तो कूलम्स लॉ के लिए जो हम लोग फोर्स का डिटरमाइनेट करते हैं उसमें दोनों चार्ज कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। और किस प्रोसेस द्वारा निकाला गया, टॉर्जन बैलेंस द्वारा। टॉर्जन बैलेंस क्या है, एक सेंसेटिव डिवाइस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि मान लो एक चार्ज यहां पर है क्यू वन और एक चार्ज यहां पर है क्यू टू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, और दोनों के बीच या तो एयर है या तो वैक्यूम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वैक्यूम, हवा या निर्वात है। तो आइए देखते हैं कि Q1 और Q2 के बीच जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स है इस स्टेटमेंट के अनुसार क्या आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार आ रहा है कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्जेज, Q1 और Q2 चार्जेज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर तो फोर्स बैलेंस, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 चार्जेज, Q1 और Q2 चार्जेज के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F बराबर फॉर्मूला रहा K Q1 इन Q2 बटे R स्क्वायर, एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जस्ट इस डायग्राम को बनाने के बाद आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ जो K है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, और इसी कांस्टेंट को कप्पा कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, कूलम्स कांस्टेंट या कप्पा कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। के का जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर। यहां पर हम लोग कहेंगे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, माध्यम के नेचर पर, डेट मीन्स मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। किसका वैल्यू, के का वैल्यू। अगर दोनों चार्ज के बीच अगर वैक्यूम या एयर होगा तो के का वैल्यू कुछ अलग होगा, अगर दोनों चार्ज के बीच ग्लास होगा, कांच होगा, तो वैल्यू कुछ अलग होगा, अगर दोनों चार्ज के बीच अगर वाटर होगा, पानी होगा, तो वैल्यू क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि के जो है कांस्टेंट, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट, एक नाम और है जिसे कप्पा कांस्टेंट कहा जाता है, इसका वैल्यू जो है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड्स करता है, यानी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम। अब आइए देखते हैं कि अगर एयर या वैक्यूम हो तो क्या होगा। तो यहां पर हम लोग अगला पॉइंट कहेंगे फोर एयर या वैक्यूम, हवा या निर्वात के लिए। तो एयर और वैक्यूम के लिए के का वैल्यू होता है के बराबर वन बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर क्या वैल्यू होता है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो है इसको कहा जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश का परावैद्युतांक, परमिटिविटी को हिंदी में परावैद्युतांक कहा जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या नाम है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस सिंबल को पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नट पढ़ा जाता है। चलो इसको पढ़ा जाता है क्या है, एप्सिलॉन नट, और पूरा नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नट क्यू वन इंटू क्यू टू और बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से फॉर ईयर और वैक्यूम के लिए फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया, के बराबर के का वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नट किसके लिए होता है, एयर या वैक्यूम के लिए,
और एफ बराबर अगर हम के का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग कुछ ही क्षण बाद इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये था ईयर या वैक्यूम। अगर ईयर या वैक्यूम की जगह कोई अदर मीडियम हो तो क्या होगा, तो ये देखते हैं क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ईयर या वैक्यूम की जगह कोई अदर मीडियम हो तो यहां पर हम लोग कहेंगे फॉर अदर मीडियम, अदर मीडियम। तो अदर मीडियम में सिर्फ दो चीज नहीं होना चाहिए, एक ईयर नहीं होना चाहिए और एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको छोड़कर कोई भी हो, चाहे वो वाटर हो, ग्लास हो, अल्कोहल हो, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी हो, कोई भी मटेरियल मैटर हो, सिर्फ दो चीज़ नहीं होना चाहिए, एक ईयर और एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो इन दिस कंडीशन के बराबर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो थोड़ा सा फर्क है, अगर हम ईयर और वैक्यूम और मीडियम में कंपेरिजन करें तो थोड़ा सा यहाँ नट है और यहाँ पर नट नहीं है। तो इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम सिर्फ दो चीज़ नहीं होना चाहिए, ईयर और वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली देखेंगे कि एफ बराबर, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, एफ बराबर देखो क्या है, एफ बराबर के, तो के का वैल्यू यहाँ से उठा 1/4 पाई इप्साइलन क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर। इस तरह से दो फार्मूला आ गया, कूलम्स लॉ के द्वारा हम लोग दो फार्मूला यानी फोर्स का डिटरमाइनेट हो गया, एक हो गया ईयर या वैक्यूम का और एक हो गया हमारा अदर मीडियम के लिए। तो अदर मीडियम के लिए हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ना होगा, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे। और ज्यादातर सवाल 90 से 95% जो सवाल है इसी फॉर्मूला से पूछता है, ईयर और वैक्यूम से। अब यहां पर कंसेप्ट है कि सर अगर ईयर या वैक्यूम दोनों में से अगर कोई कह दे और वैल्यू दे दे तो हम फॉर्मूला के अनुसार लगा देंगे, लेकिन अगर नहीं कहे, ना तो ईयर कहे और ना तो फिर मीडियम कहे, तो ऐसा सिचुएशन में फिर ईयर और वैक्यूम वाला ही फॉर्मूला लगाना होगा। कई बार ऐसा करता है कि सवाल में नहीं कहता है, लेकिन 90% सवाल में कह देता है कि दोनों चार्ज को जो है ईयर में या वैक्यूम में एस्टेब्लिश किया गया है या वाटर में या फिर किसी मीडियम में एस्टेब्लिश किया गया है। अगर नहीं कहे तो फिर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ईयर या वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगाना है। अब है कि ये सब फॉर्मूला कंटिन्यू पूछा जाता है और यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ, इसको ध्यान से अंतिम तक देखिए, 1% भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब है कि ये जो एप्सिलॉन नट है उसका एसआई यूनिट हम लोग पहले देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नट, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एप्सिलॉन, दोनों का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नट या एप्सिलॉन, तो दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान दीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सर कहाँ से आ गया, दिखाइए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो फोर्स यहां पर है, एफ को इधर लाओ और 1/4 पाई है, एप्सिलॉन नट को इधर लेकर आओ, तो एप्सिलॉन नट बराबर 1/4 यहां पर क्या बच गया, 4 पाई, और यहां पर क्या बच रहा है, क्यू वन इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, और एफ इधर आके भाग लग जाएगा तो एफ इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्यू वन क्यू टू 1/4 पाई ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का ना तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है और ना तो एसआई यूनिट होता है। तो Q1 Q2 दोनों चार्ज है तो कूलम गुना कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, और बटे एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्टेंस उसका यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों पर गया माइनस हो गया। ठीक है, तो एप्सिलॉन नट और एप्सिलॉन का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक यूनिट और होता है जिसे फैराड पर मीटर कहा जाता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग सेकेंड यूनिट, अभी हम लोग फर्स्ट यूनिट का स्टडी कर रहे हैं, जब सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि एप्सिलॉन नट का एक और यूनिट आएगा जिसे फैराड पर मीटर कहा जाता है। तो इसे भी पुट अप कर सकते हैं, इसे भी पुट अप कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चन सब, ये सब बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अब आइए डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ
एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m पर पावर माइनस वन, l पर पावर माइनस थ्री, t पर पावर फोर, आई स्क्वायर या ए स्क्वायर, एक ही बात है। m क्या है? मास, l क्या है? लेंथ, t टाइम i करेंट। तो m पर पावर माइनस वन, l पर पावर माइनस थ्री, t पर पावर फोर, आई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को 2013 IIT JEE में पूछा गया है, JEE मेंस में पूछा गया है 2013 में। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी? तो परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है आपके सामने है, एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर माइनस थ्री, टी पर पावर फोर, आई स्क्वायर। अब 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए नीट का, कई बार आपको जो है परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो है यूनिट पूछा हुआ आपको मिलेगा। आप एग्रीकल्चर का क्वेश्चन उठा लीजिए या फिर किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इसको बार बार उठाता है। इन एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ पर या तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, दो यूनिट है कोई बैठा दो, तो चलो सेकेंड वाला ही बैठाते हैं, फैराड पर मीटर, ठीक, इसको भी बैठा सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सभी पॉइंट को एरो साइन जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे करके आप नोट करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बार बार पूछे जाते हैं, हर बोर्ड्स में तो पूछे जाते ही हैं, साथ ही साथ एंट्रांस में भी पूछे जाते हैं, तो ये सबको नोट कर लीजिए। तो अगला पॉइंट है हमारा कि के बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 या 3.14, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। इस वैल्यू को जब हम लोग पुटअप करते हैं तो इसका फाइनल जो वैल्यू आता है वो आएगा 9 × 10⁻⁹। कैलकुलेट किया हुआ है। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का तो यूनिट नीचे है, यहाँ जब हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और यूनिट को नीचे पुटअप करेंगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन यूनिट कभी नीचे नहीं रहता, वो ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी एप्सिलॉन नॉट ये भी यूनिट है, ये भी दोनों सेम यूनिट है, ठीक है। तो हम ये वाला पुटअप किए और के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁹। तो जो फॉर्मूला में बार बार किया रहा था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पर हम लोग पुटअप कर सकते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कूलम्स लॉ से, फटाफट उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट है इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो मान लो कि ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, Q1 Q2 पर जो फोर्स लगा रहा है उसे F1 मान लिए, और Q2 जो है Q1 पर फोर्स लगा रहा है उसे F2 मान लिए। तो इन दिस कंडीशन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि वेक्टर F1 बराबर माइनस वेक्टर F2। इसका मतलब ये है कि दोनों का वैल्यू इक्वल है बट डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है, और जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट हो तो उसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली में कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कूलम्स लॉ ऑबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कूलम का नियम जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा सेंट्रल लाइन को फॉलो करता है, यानी सेंटर, ऑब्जेक्ट के सेंटर को फॉलो करता है, इसलिए कूलम्स फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। तो हम लोग कहेंगे इट इज ये सेंट्रल फोर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब है कि कूलम्स लॉ को सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि इट इज़ कंजर्वेटिव, ये जो है संरक्षित होता है, संरक्षित फोर्स होता है। कूलम्स फोर्स जो है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं वो एक कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल फोर्स भी होता है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है।
तो ये सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है। अब आइए हम लोग नम्बरिकल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नम्बरिकल की ओर बढ़ने से पहले एक और पॉइंट है कि कूलम्स लॉ का जो मिनिमम रेंज है वो 10^-15 से लेकर मैक्सिमम रेंज 10^18 मीटर तक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो अब तक आप लोग शायद इस पॉइंट को नहीं पढ़े होंगे या नहीं सुने होंगे। यानी मिनिमम जो है कूलम्स लॉ 10^-15 मीटर इतना डिस्टेंस को फॉलो करता है, अगर उससे कम हो जाएगा डिस्टेंस तो फिर कूलम्स लॉ लागू नहीं होगा। उसके बाद 10^18 मीटर अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो कूलम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो कूलम्स लॉ का जो रेंज है, रेंज ऑफ कूलम्स लॉ, वो कहां से लेके कहां तक होता है, 10^-15 मीटर से लेके 10^18 मीटर। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। तो ऊपर क्या लिखेंगे आप इस पॉइंट का, कि रेंज ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी मिनिमम इतना होता है और मैक्सिमम कितना होता है, इतना होता है। अगर इससे वो क्रॉस करता है वैल्यू ऊपर या नीचे तो फिर कूलम्स लॉ लागू नहीं होगा। आइए अब हम लोग नंबरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अब कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ नंबरिकल्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो चार्ज है Q1 Q2, Q1 का वैल्यू दिया है एक प्रोटोन, यानी एक प्रोटोन है, और Q1 का वैल्यू है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटोन और दोनों पर आवेश का मान सेम होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10^-19 कूलम, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10^-19 कूलम। याद रखिएगा ज्यादातर सवाल SI में बनता है, ठीक है, इसलिए वैल्यू को SI में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का बीच का जो डिस्टेंस दिया है 1.6 cm दिया है, तो यहाँ जो cm है वो CGS यूनिट है लेंथ का, इसलिए उसको SI में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 × 10^-2 मीटर होगा। तो कह रहे हैं दोनों के बीच क्रियाशील फोर्स F बराबर वाट क्या होगा, तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं, तो F बराबर, तो फॉर्मूला, क्योंकि दोनों चार्ज जो है वो एयर या वैक्यूम में है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग ज्यादातर सवाल बनाएंगे फॉर एयर या वैक्यूम के लिए। तो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ जो वैल्यू है 9 × 10^9, Q1 का वैल्यू है 1.6 × 10^-19, Q2 का वैल्यू है 1.6 × 10^-19 बटे R स्क्वायर। तो R का वैल्यू कहाँ है, 1.6 × 10^-2 into 1.6 × 10^-2 है, तो यहाँ पर 1.6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखते हैं क्या वैल्यू बचा है, 9 × 10^9 −19 −19, तो −38 और −2 −2 −4 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 9 × 10^9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 −38। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 9 × 10^38 38 में अगर 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, −25 हो जाएगा न्यूटन। यानी फोर्स कैसे यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ईजी है, कुछ नहीं है सवाल में, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने आप सवाल बनेगा। चलिए अगला सवाल क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए सबको, इस बार दिया है कि दोनों चार्ज का वैल्यू इक्वल है, यानी Q1 बराबर Q2, और वैल्यू दिया है 6.5 × 10^-7 कूलम, और डिस्टेंस का मान दिया है 50 cm। Q1 Q2 का वैल्यू कितना दिया है 6.5, और R का वैल्यू कितना दिया है 50 cm, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। फोर्स निकालने बोला है F बराबर, तो हम लोग जानते हैं वही बात, F बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये मान रखते हैं 9 × 10^9, Q1 का वैल्यू बोलिए 6.5 × 10^-7 और 6.5 × 10^-7 बटे R स्क्वायर, 0.5 × 0.5, पॉइंट उड़ गया, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 5 = 65, ठीक है। आइए देखते हैं कितना होता है वैल्यू, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 9 और 13 × 13 कितना होता है, 169 होता है,
चलो सही है, गुना 10 टू द पावर 9 और पावर -7 कितना है -14 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में Q1 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0.2 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर दिया है 0.8 माइक्रोकूलम और F बराबर दिया है 0.2 न्यूटन। तो R बराबर वाट यानी R का वैल्यू निकालने बोला है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स कैसा है, फोर्स का वैल्यू न्यूटन में SI में है लेकिन Q1 और Q2 का वैल्यू माइक्रो में है। तो माइक्रो को हटाएंगे तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। वही बात इसमें भी हो जाएगा, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। एफ का मान इतना है, आर बराबर ये, तो आर बराबर वाट। तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं, तो क्या जानते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे एफ हो जाएगा, एफ का भाग लग जाएगा। अब आइए वैल्यू पुट अप करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन करके। आर स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू बोलिए, Q1 का वैल्यू है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 का वैल्यू अगर वहीं पर दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बटे एफ और एफ का वैल्यू क्या है 0.2 है। तो 0.2 ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि क्या बचा हुआ है, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आर स्क्वायर बराबर 9 है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 9 इंटू 8 और पावर देख लेते हैं, 10 टू द पावर 9 है -6 -6 -12 और ये 10 पर पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो ऊपर 1 जाके -1। तो आर स्क्वायर बराबर तो 9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर, तो 10 टू द पावर यहाँ जो है क्या कोई वैल्यू तो छुटा हुआ नहीं है, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हो रहा है। एफ Q1 का वैल्यू यहाँ से, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक तो लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4। कुछ लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है या कहीं छुटा हुआ है कुछ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 का वैल्यू, और सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सवाल भी वैसे भी बन सकता है लेकिन यहाँ 0.2 के जगह जो है 0.4 दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि Q1 का जो वैल्यू है वो 0.4 था। तो यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू Q1 का जो पुटअप करेंगे वो 0.4 पुटअप करेंगे और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बढ़ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 और 8 दुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और फिर 16 × 9 तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4, तो R बराबर हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12 होता है और 10 टू द पावर -4 का आधा जाएगा यानी -2 आ जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर अब प्लस होगा कि माइनस होगा, दोनों में आता है। देखिए फिजिक्स कंसेप्ट का सब्जेक्ट है, जब तक आप कंसेप्ट नहीं रखेंगे तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कैलकुलेशन करके भी आप गलत बना देंगे। तो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो R का वैल्यू जो है यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो इतना मीटर हो गया, अगर हम -2 को हटाएंगे तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी जब Q1 और Q2 का मान इतना हो और उनके बीच क्रियाशील फोर्स 0.2 न्यूटन हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला के वैल्यू को पुटअप किए हैं और कैलकुलेशन किए हैं, आपके सामने आंसर आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर हो 92 है और जो मास नंबर है वो
238 होता है, 35 भी होता है, 38 भी होता है। अब ए जो है एक अल्फा पार्टिकल का इमिट्स करता है, तो अल्फा जो है वो हीलियम के बराबर होता है, यानी 24 होता है। तो जैसे ही कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु संख्या में 2 का कमी हो जाता है। तो यूरेनियम यहाँ 238 है, तो जो एक नया एलिमेंट बनेगा उसमें 4 कमी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में और परमाणु संख्या में 2 का कमी हो जाएगा और बन जाता है थोरियम। क्या बन जाता है? थोरियम। तो थोरियम का जो परमाणु संख्या वो 90 होता है और 200 कितना हो जाएगा? 34 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए सबको ये और समझिए। यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन किया और कह रहा है कि यूरेनियम और हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल के बीच क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 9×10⁻¹⁵ हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सबको और समझिए इस क्वेश्चन को। IIT लेवल का क्वेश्चन है ये। यूरेनियम है एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन किया, तो अल्फा हीलियम नाभिक के इक्वल होता है, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो गया तो 38 की जगह 34 और 92 की जगह यहाँ 90 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 2 है। तो Q1 यानी आफ्टर इमिट्स उत्सर्जन के बाद, तो Q1 बराबर Q2, तो Q1 का वैल्यू यहाँ पर 92 है लेकिन 90 हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठ रहा है क्यों सर? क्योंकि यहाँ से एक अल्फा जैसे निकलेगा तो एक नया एलिमेंट का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं? थोरियम। ठीक है, तो उसके जगह जो है यूरेनियम की जगह थोरियम बचेगा, यानी 90-2 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 92-2 90 हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो गया? ये एटॉमिक नंबर, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी संख्या हो जाएगा Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन्स और R बराबर दिया है 9×10⁻¹⁵ मीटर दिया हुआ है। तो फोर्स निकालने बोल रहा है, तो फोर्स F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1×Q2/R2। इसका वैल्यू था 9×10⁻¹⁹ Q1। आइए देखते हैं Q1 का वैल्यू क्या है। तो Q1 का वैल्यू है 90E और Q2 का वैल्यू है 2E/R2 और R का वैल्यू है 9×10⁻¹⁵ 9×10⁻¹⁵ 9 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, 9 कट जाएगा। अब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है? 10⁻⁹ और यहाँ पर एक 10 है तो +1 हो जाएगा और -15 ये ऊपर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 30×, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और इस 10 को तो यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए हैं 1 और E×E तो E² हो जाएगा और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसका वैल्यू होता है 1.6×10⁻¹⁹ और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1.6×10⁻¹⁹। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन करके कि क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 9 और 1 10 और 30 तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴० हो जाएगा × 2×1.6 तो 264 यानी 2.64 हो जाएगा × 10⁻¹⁹ तो −38 हो जाएगा। अब इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 6×12 का 2 और 2×4 = 5 हो जाएगा, × 10⁻⁴ = 40 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? −38 है तो 5.28×10⁻²। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 कैंसिल, 528 न्यूटन। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से समझिए आप लोग। यूरेनियम है एक अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 9×10⁻¹⁵ मीटर हो जाता है, यानी R बराबर इतना हो गया।
तो जैसे अल्फा किया तो इसमें दो एटॉमिक नंबर घट गया। पहले कितना था, 92 था, तो दो जैसे ही घट गया तो कितना बचा, 90 इलेक्ट्रॉन। एंड एटॉमिक नंबर डेट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतलाता है। और Q2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो Q1 Q2 और R आ गया, F बराबर इतना होता है। सबका वैल्यू पुटअप किए और कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर क्या आ गया, 528 न्यूटन। चार ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक ऑप्शन 528 होगा। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।